इस कार है भाई, भाई साइलेंट कर लो। वीडियो मत लेना नहीं, नहीं। सबसे पहले तो आए हुए मीडिया के दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत स्वागत है। आज यहाँ पर मुंबई में हम जिस फिल्म का प्रीव्यू शो हमने रखा है, इस फिल्म का नाम है मास साहब। ये फिल्म पुरुषोत्तम स्टूडियोज़ और रोहिणी बी सिंह द्वारा इसका फिल्म का निर्माण हुआ है। ये प्रोड्यूसर हैं इस फिल्म की और मैं आदित्य हूँ, इस फिल्म का निर्देशक हूँ। और मेरे साथ फिल्म के बाकी कलाकार और एक्टर यहाँ पे मौजूद हैं। मेरे लेफ्ट पे शिवा सूर्यवंशी, जिन्होंने मेन किरदार मास साहब का निभाया है। आलोक जैन जी, जो यहाँ पे क्रिएटिव प्रोड्यूसर हैं इस फिल्म के और इनका बहुत बड़ा योगदान है फिल्म में। मानवीर चौधरी, इन्होंने बहुत अच्छा एक महत्वपूर्ण किरदार निभाया है। मैं थोड़ा आप लोगों को इस फिल्म के बारे में बताना चाहता हूँ। ये फिल्म एक बहुत ही यूनिक फिल्म है और बहुत स्पेशल फिल्म है। हर निर्देशक, हर निर्माता अपनी फिल्म को लेकर यही सारी चीज़ें कहता है। इस फिल्म के बारे में मैं ये बताना चाहता हूँ कि गांव की प्राइमरी शिक्षा के ऊपर बनी और हमारे गांव के स्कूलों की क्या हालत है और वहाँ की क्या प्रॉब्लम्स है, उसको बहुत ही मनोरंजक ढंग से इस फिल्म में दिखाया गया है। और शायद ये गांव की प्राइमरी शिक्षा के ऊपर बनी चुनिंदा कम फिल्मों में से एक है। तो यहाँ से तो इस फिल्म की शुरुआत हुई। और इस फिल्म की और स्पेशल क्वालिटी ये है कि ये फिल्म बुंदेलखंड के उस इलाके में ओरिजिनल लोकेशंस पे ओरिजिनल बच्चों के साथ, जो कि कलाकार नहीं थे, उसी स्कूल के बच्चे थे, उनके साथ ये शूट की गई है। और ये फिल्म लगभग बुंदेलखंड के किसानों के द्वारा, बुंदेलखंड के लोगों के द्वारा, वहाँ के रहने वाले लोगों के द्वारा एक तरीके से क्राउड फंडिंग करके, एक तरीके से मिलजुल करके ये फिल्म बनाई गई है। और आज ये फिल्म बुंदेलखंड का नाम और सम्मान है। इस फिल्म का जब से प्रदर्शन चालू हुआ, इस फिल्म ने अवार्ड्स और फिल्म फेस्टिवल्स में सफलता के झंडे गाड़े हैं। सबसे पहले गोवा फिल्म फेस्टिवल में इसको बहुत सराहा गया, बहुत इसकी प्रशंसा और क्रिटिकल अक्लेम मिला। एज यू कैन सी दैट द फिल्म फेस्टिवल डायरेक्टर ऑफ कांस, ही हैज़ रिटन अ वन पेज रिव्यू। जो कांस के फिल्म फेस्टिवल डायरेक्टर हैं, उन्होंने इस सिनेमा के बारे में एक पेज का रिव्यू लिखा कि ये फिल्म उनको किस तरीके से पसंद आई। गोवा के बाद इस फिल्म का ऑफिशियल सिलेक्शन राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में हुआ, जहाँ पर इस फिल्म को 3 अवार्ड मिले। बेस्ट क्रिटिक चॉइस अवार्ड मिला, शिवा को बेस्ट डेब्यू एक्टर मिला और मुझे एक अप्रिसिएशन डायरेक्टर का अवार्ड मिला। इसके बाद अभी इस फिल्म का सिलेक्शन नासिक इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में हुआ है और वहां पर भी ये गोल्डन कैमरा अवार्ड्स के लिए ये फिल्म नॉमिनेट हुई है। इसके अलावा फॉरेन के भी कुछ फिल्म फेस्टिवल्स में इस फिल्म का सिलेक्शन हो गया है और उसकी न्यूज़ हम आने वाले समय में मीडिया को और उसको बताएंगे जैसे ही वो फिल्म फेस्टिवल क्लोज होंगे। तो आज हमने यहां पर ये शो रखा है अपने कुछ चुनिंदा दोस्तों के लिए, कुछ ट्रेड के लोगों के लिए, कुछ मीडिया के दोस्तों के लिए, ताकि वो भी देखें मुंबई में ये फिल्म की पहली स्क्रीनिंग है कि एक दिल से किया हुआ काम, एक डिफरेंट काम, एक गांव के लोगों के द्वारा किया गया काम किस तरीके से आगे जाता है। और सच्चे दिल से अगर कोई काम करता है तो वो काम कितना खूबसूरत हो सकता है। तो ये दिखाने की इस फिल्म में कोशिश की गई है। एंड आई होप एंड आई विश दैट वी गेट ऑल द अप्रिसिएशन एंड ऑल द लव, एंड बिकॉज अ लॉट ऑफ अमाउंट ऑफ एफर्ट एंड लॉट ऑफ अमाउंट ऑफ डेडिकेशन एंड अ लॉट ऑफ अमाउंट ऑफ सोल एंड हार्ट हैज़ गॉन इन टू दिस फिल्म। सो आई डेडिकेट दिस फिल्म टू द पीपल ऑफ बुंदेलखंड, टू ऑल द प्राइमरी किड्स हु आर स्टडिंग इन स्मॉल स्कूल्स इन रूरल इंडिया, एंड आई होप दैट व्हेनेवर दिस फिल्म कम्स आउट द ऑडियंस विल लाइक इट, लाइक दिस फिल्म कमर्शियली टू। थैंक यू। ये मेरी लीड रोल में पहली फिल्म है
और इसमें मैंने एक अध्यापक का किरदार निभाया है, प्राइमरी शिक्षक का, जो आईएएस की नौकरी छोड़कर वो शिक्षा के प्रति कितना पैशनेट है कि वो आईएएस की नौकरी छोड़कर शिक्षक बनता है और गांव के एक छोटे से गांव में जाता है। तो उसको बहुत ही, चूँकि आदित्य जी ने मुझे जब इसका कैरेक्टर के बारे में बताया, फिल्म के बारे में बताया कि उसका लुक कैसा रखना चाहते हैं फिल्म का, तो उन्होंने बोला बहुत ही नेचुरल और अध्यापक का जो कैरेक्टर होना चाहिए बहुत ही उसको बहुत ज़्यादा उसको बड़ा नहीं करना, पूरा नेचुरल रहना चाहिए। तो मैं एक अध्यापक परिवार से ताल्लुक़ रखता हूँ, मेरे पिताजी अध्यापक रिटायर्ड टीचर हैं, तो मैंने फिर वहाँ से उस किरदार को समझने की कोशिश की कि उसको किरदार का लुक कैसा हो सकता है, उसका बिहेवियर कैसा हो सकता है, वो बातचीत कैसे करेगा, तो वो सब चीज़ें मैं वहाँ से मिली और ये आदित्य जी के निर्देशन में एक बहुत ही अच्छा अनुभव रहा मेरा। सर, आपने करने के इतना ज़्यादा अवार्ड लिया है इसने फेस्टिवल्स में, ये जिम्मेदारी तो मेरी जो जिम्मेदारी थी वो शिवा और आदित्य जी ने पूरी निभा दी थी। सबसे बड़ा चैलेंज था क्योंकि जब हम लोग ये फिल्म शूट कर रहे थे तभी नोटबंदी का टाइम था, तो नोटबंदी के समय में अपने आप जब हमारी सारी चीज़ें शेड्यूल हो चुकी थी और वो फिल्म को है ना पूरी करके वापस यहाँ लेके आना और आज हम आप तक पहुँचा सके, बहुत बड़ा चैलेंज था। क्योंकि एक फिल्म बनाने में सिर्फ जो है आर्ट्स, पैशन, सारी चीज़ें तो लगी जाती है, मगर सबसे बड़ी चीज़ होती है कि पैसा भी चाहिए। तो मैं शुक्रगुजार रहूँगा बांदा, खुरहंड और सारे जितने लोग हैं, क्योंकि हमें सारे बच्चे जो हैं वो नेचुरल मिले। हमने स्कूल के है ना जो बच्चे थे उन्होंने बड़ी नेचुरल परफॉर्मेंस दी। बच्चे तो ठीक, बच्चों के माँ बाप और जैसे भी है ना जितने भी लोग होते थे कि अचानक होता था कि यार कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर हमारे पास नहीं है, अब जो यहाँ के बम्बई के सोफिस्टिकेटेड एक्टर्स हमने कास्ट किए हुए हैं वो पहुँचते हैं तो वो अपनी पूरी है ना कॉस्ट्यूम लेके पहुँचते हैं कि जीन्स इसका। अब होता है कि भाई कपड़े कहाँ से लाए जाएँ, तो फिर ये होता था कि जो भी गाँव वाला हमें मिलता था कि अच्छा भैया ये आपकी कमर कितनी है, 32, आपकी कमर कितनी है, 32, ये पैंट पहन लो, और वो उसके बाद पीछे लग जाता भैया हमारी पैंट कब वापस मिलेगी। तो इस तरह से भी हमने ना कॉस्ट्यूम, लोकेशन, सारी चीज़ें है ना अलर्ट की हैं। और आदित्य ओम ने एक बहुत ही है ना पहले डिसाइड कर लिया था कि इस फिल्म को बहुत ही रियलिस्टिक अप्रोच देना है, तो हमने ज़्यादा तामझाम नहीं किया नेचुरल लाइट में। और मौसम जो है कभी फॉग हो जाता था, कभी अचानक से सन है ना क्लियर हो जाता था, तो बहुत सारे टेक्निकल चैलेंजेस थे, बट पूरी टीम ने, बहुत ही छोटी सी हमारी टीम थी, बहुत ही प्यारी टीम थी, सब ने अपना है ना मल्टीपल रोल निभाते हुए इस फिल्म को पूरा किया है। और प्रोड्यूसर और मेरे बाकी सबको एक्टर्स, इन्हीं को सबको प्रेजेंट करते हुए मैं सबसे पहले अपने सर की और सह कलाकारों की बात को आगे बढ़ाना चाहूँगा कि सब ने मिलजुल कर एक प्रयास किया है। और आलोक सर की बात को आगे बढ़ाते हुए मैं कहूँगा कि जो इन्होंने कहा है कि जो मुंबई के सोफिस्टिकेटेड एक्टर्स जो कास्ट किए थे, ऐसा कुछ नहीं है, सबकी बिलोंगिंग्स हिंदुस्तान से ही है, हिंदुस्तान की मिट्टी से है, हर कोई अपनी मिट्टी से जुड़ा है। मुझे ऐसा लगा कि जो हमने स्कूल के रियल बच्चों के साथ काम किया है, कास्टिंग के कोई बच्चे नहीं थे, उनमें हमें ऐसा लगा कि जो एक एक्टर की, एक कलाकार की कोई भी फिल्म शुरू होने से पहले जो वर्कशॉप होती है, तो शायद हमें ऐसा लग रहा था कि हमारा लर्निंग भी चल रहा है और हमारा करना भी चल रहा है। तो करने के ग्राउंड पे एक लर्निंग एक्सपीरियंस जो रहा है वो बहुत अप्रिशिएटेबल था पूरी टीम के लिए। और मल्टीपल काम किया है ये बात बिल्कुल बहुत अच्छा है। जो लोग कैमरा के सामने काम कर रहे थे, अगर कैमरा के पीछे कोई चीज़ गड़बड़ हो रही है डायरेक्टर्स को या बाकी लोगों को, उनमें सपोर्ट करने के लिए सब लोग बहुत अच्छे से पूरे उत्साह के साथ आगे आते थे। और एक बात और मैं कहना चाहूँगा कि अनुभव से बड़ी कोई शिक्षा नहीं है और शिक्षक से बड़ा कोई रोल मॉडल नहीं है हमारी सोसाइटी में, हमारे समाज में। तो उसी चीज़ को हमने पोर्ट्रे करने की कोशिश की है, मेरे डायरेक्टर ने, राइटर ने, प्रोड्यूसर्स ने, जिन्होंने नोटबंदी के टाइम पे भी इतना बड़ा कदम उठाया कि कोई बात नहीं, हमारा एक सब्जेक्ट है जो कि हमारे आने वाले फ्यूचर के साथ जुड़ा हुआ है, क्योंकि हमारे बच्चे जो छोटे बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं, हमारा कल का फ्यूचर वही है और उसके लिए हमें काम करना चाहिए। क्योंकि आर्टिस्ट फील्ड में एक सबसे बड़ी लाइन है जो हमारे गुरुजन भी हमें बार बार दोहराते हैं, वो लाइन कि आपके कमिटमेंट से बड़ा कुछ नहीं होता है। कमिटमेंट की है, नोटबंदी हुई है, खाना बंदी हुआ है या पानी बंदी हुआ है, उससे फर्क नहीं पड़ता है, कमिटमेंट मीन्स कमिटमेंट। तो
मेरा बहुत अच्छा अनुभव था। जैसे मैं अगर अपने किरदार के बारे में आप लोगों को बताना चाहूं, तो जैसे एक नॉर्मल गवर्नमेंट एम्प्लॉय की जो अप्रोच होती है काम करने को लेकर, ड्यूटी गए नहीं गए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, किसी ने रिश्वत ले ली तो लेके चुपचाप जेब में रख ली, अपना चल रहा है काम, सैलरी आ रही है, तनख्वाह आ रही है, एक उसी तरह के गवर्नमेंट टीचर का कैरेक्टर मैंने किया है। एक इसमें एक पर्टिकुलर इंसिडेंट का जिक्र भी किया गया है, मिड डे मील का जो घोटाला हुआ था, आई गेस 2011 और 12th में वो किस्सा हुआ था, कहीं पर बच्चे फूड पॉइजनिंग की वजह से काफ़ी बच्चे मर गए थे। ये बिहार का किसी डिस्ट्रिक्ट का किस्सा है, मुझे नाम याद नहीं आ रहा है। तो मिड डे मील का जो डिपार्टमेंट का जो टीचर होता है, उसका कैरेक्टर मैंने पोर्ट्रे किया है। उसकी लाइफ कितनी कैजुअल होती है, कि वो कैसे बिहेव करता है, उसको फ़र्क नहीं पड़ता कि ठीक है यार मेरा पैसा आना चाहिए, वो ऊपर से आए या नीचे से आए, तो वो इतनी कैजुअल अप्रोच के साथ काम करता है। फिर उसे लाइफ में ऐसे सर्कमस्टेंसेस आते हैं, उसके कू जो सहयोगी टीचर्स होते हैं, अध्यापक होते हैं, वो उसको बताते हैं कि ये गलत है, ये सही नहीं है, तो उसका एक व्यक्तित्व का अलग से निर्माण होता है, कैरेक्टर का ट्रांसफॉर्मेशन होता है। और मेरे लिए पोर्ट्रे करना आसान भी था और मुश्किल भी था, क्योंकि मैं भी एक फैमिली से बिलोंग करता हूँ जहाँ शिक्षक भी है, बिजनेसमैन भी है, और मेरी अपब्रिंगिंग भी शायद उस स्तर के स्कूल में तो नहीं हुई है, लेकिन मुझे वो भी अनुभव एक अलग मिला है कि इस स्तर के भी स्कूल होते हैं। और आई एम वेरी ग्लैड टू बी हियर एंड थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू। कितना बड़ा अचीवमेंट है और कैसे इस तरह की फिल्म सोशल अवेयरनेस क्रिएट करेगी सोसाइटी में? शिक्षक पर फिल्म बनाना ही बहुत बड़ा चैलेंज है सबसे ज़्यादा तो, और शिक्षा व्यवस्था जो है सिस्टम में उसमें काफ़ी खामियां हैं, तो उस खामियों को दिखाने के लिए इस तरह की फिल्म बनाना एक बहुत बड़ा साहसिक कदम है। छोटा सा एक प्यारा सा किरदार मैंने इसमें प्ले किया है दीनू का, जो कि प्राइवेट स्कूल के अत्याचारों से तंग होकर बाद में गवर्नमेंट स्कूल में शरण लेता है, जहाँ पर शिवा आते हैं, पढ़ाई होती है वहाँ पे अच्छी। ये काफ़ी बहुत विस्तारित रूप से अगर मैं कहूँ तो बहुत सारे इश्यूज़ शिक्षकों के साथ जो होता है या आसपास जो घोटाले चल रहे हैं शिक्षा विभाग के, उन पर काफ़ी प्रकाश डालती है फिल्म, और काफ़ी महत्वपूर्ण इश्यूज़ शिक्षा के स्तर पर हम लोगों ने कोशिश की है एज एन आर्टिस्ट उसको निभा पाएँ, कर पाएँ किरदार। काफ़ी सहयोग रहा है दूसरे कलाकारों का भी। हाँ, बाकी बेसिकली इसी चीज़ों के बारे में है कि हमारी प्राइमरी एजुकेशन जो है उसकी हालत बहुत ख़राब है, और शिवा सूर्यवंशी जो प्रोड्यूसर भी हैं और आदित्य ओम साहब डायरेक्टर हैं, ये काफ़ी दिनों से चर्चा कर रहे थे इसके बारे में, और खास बात यह कि फिल्म बहुत अच्छी बन पड़ी है। आप फिल्म देखने जाएंगे तो आपको पता लगेगा कि देश के अंदर किस तरह से एक लाइन से हट करके किस तरह से हम एक शिक्षा के ऊपर फिल्म बना सकते हैं, जो कि सोशली भी आपके लिए फ़ायदेमंद है, आपका एंटरटेन भी करेगी, क्योंकि उसको बनाया वैसे ही गया है। और मैंने बहुत अच्छी फिल्म लगी है मुझे, तो मुझे मैंने देखा है, और बाकी मैंने किरदार किया जिला शिक्षा अधिकारी का इसमें। तो बेसिकली ये है कि अपने आसपास के सोर्सेज को किस तरह से यूज़ करके एक शिक्षा के ऊपर, एक प्राइमरी एजुकेशन के ऊपर एक फिल्म बनाई गई है, जो मैं अभी बोल दूंगा तो शायद आपको लगेगा थोड़ा कुछ ज़्यादा बोल गई, आप देखेंगे तो आपको आइडिया होगा कि रियली किस तरह की फिल्म है। शिवा सूर्यवंशी से जुड़ा हुआ हूँ, काफ़ी टाइम से हम एक दूसरे को जानते हैं, और इस फिल्म की स्टोरी लाइन पहले से शिवा ने कुछ हद तक ब्रीफ की थी। पहले नहीं पता था कैरेक्टर क्या करना है, तो एक वर्कशॉप हुई, वर्कशॉप में मुझे नहीं पता था, बोला देखेंगे जो कैरेक्टर जिसमें फिट होगे तुम करोगे। तो बाद में जितेंद्र नाम का एक कैरेक्टर मैंने किया इसमें, वो कैरेक्टर जो किसी और के बिहाफ पे पढ़ाता है, सबसे बड़ा करप्शन अभी आप यूपी बिहार में जाइएगा तो टीचर अगर मैं हूँ मेरे बदले में कोई और पढ़ाता है, मैं कुछ और भी काम कर रहा हूँ, मैंने मेरी सैलरी अगर 30,000 है तो मैंने 15,000 किसी को दे रखा है कि आप मेरे बदले में पढ़ाइएगा, मैं नहीं रहूँगा आप देख लीजिएगा। तो इस तरह का करप्शन बहुत है, उसको उजागर करता हुआ कैरेक्टर है, और कैरेक्टर बहुत इंटरेस्टिंग था, करके बहुत मज़ा आया, टफ भी था, लेकिन टीम बहुत अच्छी थी, डायरेक्टर बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छा सहयोग रहा सबका, करके बहुत मज़ा आया काम। फिल्म बड़ी ज़्यादा प्राउड की बात है कि काफ़ी ज़्यादा फिल्म क्रिटिक अवार्ड लिया है, बेस्ट एक्टर अवार्ड। नहीं, बहुत ही अच्छी फिल्म है, समाज के लिए जो अवेयरनेस की ज़रूरत है एजुकेशन को लेकर, और हमारे डायरेक्टर साहब हैं आदित्य ओम जी, उनका बहुत अच्छा, उन्हें
इसको दिखाया बहुत अच्छे तरीके से फिल्म में कि क्या क्या हम सुधार कर सकते हैं शिक्षा व्यवस्थाओं में जो हमारे यहाँ प्रॉब्लम्स हैं। कि ज़रूरी नहीं है कि हमारे पास बहुत अच्छे रिसोर्सेज हों या तभी हम सोचें कि कुछ कार्य अच्छे हो सकते हैं। छोटी जगह पर भी छोटे स्कूल में अगर हम उसको ठीक तरीके से चलाएँ और मैनेज करें तो सारी चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से हम कर सकते हैं। और बच्चों को प्रॉपर गाइडेंस देना और अगर शिक्षक ही बहुत अच्छा होगा तो सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं मेरे हिसाब से तो कि आपके शिक्षक कैसे हैं टीचर कैसे हैं आपके। ये डिपेंड नहीं करता कि आपका स्कूल कैसा है कि मेरे अपना सोचना है और ऐसा तो इसमें उतना ही दिखाया कि गांव में जहां से छोटे स्कूल से बच्चे प्राइमरी स्कूल के बच्चे हैं छोटे छोटे बच्चे हैं आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है फिर भी कुछ लोग सोचते हैं जो आजकल प्राइवेट स्कूल्स वगैरह में जाके बच्चों को एडमिशन कराते हैं सारी चीज़ें कि वहाँ पर अच्छा एजुकेशन होती है तब सारी चीज़ें तो वही सारी इस फिल्म में दिखाने की कोशिश। ऐसा नहीं है अगर छोटे गवर्नमेंट स्कूल्स भी अगर उनको ठीक तरीके से व्यवस्थाएँ चलाई जाए अच्छे शिक्षक हों तो बच्चों को अच्छा गाइडेंस दिया जा सकता है। जहन में सवाल ये है कि हम एजुकेशन से क्या देना चाहते हैं तो हमारा जब नींव अच्छा नहीं होगा जो जड़ हम जिस जड़ की बात करते हैं तो नहीं होगा। बेसिकली इस स्कूल में मुद्दा ही वही है कि प्राइमरी एजुकेशन यदि आपका प्राइमरी यदि हम जो बिगिनिंग लेवल की बात करते हैं वो सही होगा तभी हम बड़ी इमारत की नींव रख सकते हैं नहीं तो नहीं होगा। और पूरी तरह से मुद्दा यही उठाया गया और अभी के डेट में बहुत रिलेवेंट है इसलिए यूपी में अभी योगी जी ने पूरे हर स्कूल में कैमरा लगवा दिया कि भाई आप नकल नहीं करो। लेकिन नकल नहीं करो तो टीचर पढ़ाएगा कौन? पहले टीचर तो पढ़ाने लायक हो। उस स्कूल में आपने नकल तो रोक दिया कि भाई नकल नहीं करो तुम मत आओ, पर टीचर कितने दिन स्कूल में पढ़ाते हैं वो बड़ा मुद्दा है इस फिल्म से। और ये फिल्म पूरा उसी की तरफ है कि एजुकेशन सिस्टम पे हमें वो नहीं, हमारे यहाँ टीचर ही नहीं है। बच्चे तो बहुत पढ़ने वाले हैं, स्कूल में मुद्दा भी यही उठाया गया कि बच्चे तो पढ़ने वाले हैं टीचर पढ़ाने वाले हैं या नहीं है, तो ये पूरा मुद्दा उसी पे है। और ये फिल्म इस तरह की फिल्में बनती रहनी चाहिए और अभी के डेट में तो ये बहुत रिलेवेंट है कि उन्होंने कैमरे तो हर जगह लगा दिया कॉलेज से लेकर स्कूल में, पर टीचर के लिए भी तो कैमरे लगा दो कि टीचर पढ़ाने आते हैं या नहीं। ये अभी जस्ट हुआ था बनारस में एक टीचर जो प्रिंसिपल थे स्कूल कॉलेज के उनके घर पर ही कॉपी नकल हो रही थी, ये पूरा न्यूज़ था आपको अमर उजाला वगैरह के फ्रंट पेज पे उन्होंने डाला था। तो ये चीज़ पे भी ध्यान रखना होगा ना कि आपके यहाँ टीचर ही चोरी करवा रहा है तो बच्चे को चोरी करने में क्या दिक्कत है। तो पूरी तरह से ये शिक्षा पे एकदम जोर दी गई है फिल्म पे और ऐसी फिल्म बनती रहनी चाहिए। ग्लोबल एडवर्टाइजर फॉर इनोवेटिव आउटडोर सॉल्यूशंस।